अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑटोमोटिव ऑफलाइन क्लास। वी आर स्टडीइंग रोड सेफ्टी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स थर्ड सेशन, दैट इज रोड साइंस। रोड साइंस क्या होते हैं? आपने रोड पे कुछ साइंस देखे होंगे या ड्राइवर की तरफ से कुछ इंडिकेशंस देखी होंगी जो स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिग्नल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। रोड सिग्नल्स आर टू बी फॉलोड सिस्टमैटिकली, अदरवाइज इट मे कॉज एक्सीडेंट्स। जो भी रोड साइंस रोड सिग्नल्स होते हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमने रोड सिग्नल्स को मिस इंटरप्रेट किया तो वहां पे एक्सीडेंट्स का खतरा हो सकता है। इसलिए रोड सिग्नल्स कुछ रोड्स पे रखे होते हैं, पहले ही इंडिकेशंस कुछ होती हैं, तो उन्हें हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। आर्म सिग्नल्स, आर्म सिग्नल्स आर नीडेड व्हेन अ व्हीकल्स इंडिकेटर्स आर नॉट यूज्ड और व्हेन नेसेसरी टू रीइन्फोर्स डायरेक्शन इंडिकेटर सिग्नल्स एंड स्टॉप लाइट्स। आर्म सिग्नल्स तब यूज होती हैं, वो ड्राइवर की तरफ से यूज होती हैं या ट्रैफिक में जो पुलिस मैन जो ट्रैफिक पुलिस मैन खड़ा होता है उसकी तरफ से यूज होती हैं आर्म सिग्नल्स, तब जब व्हीकल्स के इंडिकेटर्स नहीं चल रहे हैं या ट्रैफिक लाइट्स नहीं चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ड्राइवर सिग्नल दिखा रहा है, ही इज इंटेंडिंग टू मूव टू द लेफ्ट और टर्न लेफ्ट, इसे लेफ्ट टर्न लेना है और ये सिग्नल दिखा रहा है पीछे वाली गाड़ी को या कि मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, सो ही इज इंडिकेटिंग समथिंग। सिमिलरली इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं दिस ड्राइवर इज इंटेंडिंग टू मूव आउट टू द राइट और टर्न राइट। यहाँ पे ये ड्राइवर हाथ से दिखा रहा है कि मुझे राइट की तरफ जाना है, सो ही इज इंटेंडिंग टू टेक अ राइट टर्न। यहाँ पे ही इज इंटेंडिंग टू स्टॉप, ये हाथ से दिखा रहा है रुको, तो ये आगे जो पीछे वाली गाड़ी है उसे दिखा रहा है कि आपको रुकना है, आगे मे बी ट्रैफिक है या इसे टर्न लेना है या क्या है, सो इज इंडिकेटिंग समथिंग। यहाँ पे इंडिकेटिंग टू स्लो डाउन, ये पीछे वाले ड्राइवर को इंडिकेट कर रहा है हाथ से आर्म से सिग्नल दे रहा है कि स्लो डाउन योर स्पीड। इंडिकेटिंग द कार फॉलोइंग यू टू ओवरटेक, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा अगर आगे ड्राइवर को लगेगा कि रास्ता क्लियर है और पीछे आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो पहले वो इंडिकेटर से दिखाता है रुको, हाथ से दिखाता है स्टॉप कि आगे नहीं जा सकते हो, फिर जैसे उसे लगता है आगे पैसेज है आपके लिए तो वो आपको दिखाता है कि यस यू कैन ओवरटेक। सो दीज आर द वेरियस आर्म सिग्नल्स विच आई यूज टू इंडिकेट समथिंग। नाउ ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन कैटेगरीज, मैंडेटरी रेगुलेटरी साइंस। जो साइंस मैंडेटरी होती हैं उन्हें ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं ट्रैफिक साइंस इन्हें थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइंस, कॉशनरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। मैंडेटरी साइंस वो साइंस होती हैं जो कुछ जो ये इंडिकेट करे कि ये चीज मैंडेटरी फॉलो करनी है, जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रेड सर्कल, इट इंस्ट्रक्ट्स व्हाट शुड नॉट बी डन, यहाँ पे रेड सर्कल के अंदर क्रॉस दिया है स्लैश दिया है तो ये इंस्ट्रक्ट करता है इंडिकेट करता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। कॉशनरी साइंस होते हैं जो किसी कॉशन की तरफ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको सिग्नल्स दिए होते हैं आगे कि आगे कर्व है स्पीड लो करो, दैट्स अ कॉशन, यू हैव टू आगे एक ब्लाइंड कर्व है सो स्लो डाउन योर स्पीड, दैट्स अ कॉशन। ऐसे इंफॉर्मेशन साइंस होते हैं वो यूजुअली ब्लू कलर के होते हैं, वो कुछ सिग्नल्स ऐसे जो कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए इंफॉर्मेशन कुछ शो करें, दोज आर नोन एज इंफॉर्मेशन साइंस। ब्लू सर्कल इंस्ट्रक्ट्स व्हाट शुड बी डन, रेड सर्कल इंस्ट्रक्ट्स व्हाट शुड नॉट बी डन एंड ब्लू सर्कल इंस्ट्रक्ट्स व्हाट शुड बी डन। ऐसे ही ट्राइंगल कॉशन समथिंग, सर्कल में मैंडेटरी साइंस होती हैं जैसे रेड सर्कल में कि क्या हमें नहीं करना चाहिए और ब्लू सर्कल में कि क्या करना चाहिए। अब जब ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल इंडिकेट सम कॉशंस, और जब रेक्टेंगल होता है ब्लू रेक्टेंगल वाली सिग्नल होती है कुछ साइन होती है तो इन्फॉर्म करती है कुछ, डेट गिव सम इन्फॉर्मेशन। टिपिकल कॉशनरी साइंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा एक ट्राइंगल है सो इट्स अ कॉशनरी साइन, और यहाँ पे इसको राइट एरो दिखाया है, राइट कर्व टाइप दिखाई है, राइट लेफ्ट हैंड कर्व,
दिस साइन इज यूज वर द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट चेंजेस. आप एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं और अचानक से आपको एक कर्व लेना है, तो आपको इस तरीके का साइन दिखाया गया है. दिस साइन फोर वॉर्न्स द ड्राइवर टू रिड्यूस द स्पीड एंड प्रोसीड कंटिन्यूअसली अलोंग द रोड. यूजुअली हाईवेज पे आप ऐसे साइंस देखेंगे, राइट लेफ्ट हेयर पिन बेंड, ऐसी वाली सिग्नल जब होगी तब वो इंडिकेट करती है. दिस साइन इज यूज वर द चेंज इन डायरेक्शन इज सो कंसिडरेबल दैट इट अमाउंट्स टू रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन. द सिंबल बेंड्स टू राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द रोड अलाइनमेंट. अगर रोड अलाइनमेंट इस तरीके की होगी कि आपको रिवर्स डायरेक्शन करनी है, आपको यू टर्न टाइप लेना है, तब आपको ऐसी सिंबल आएगी. ऐसा कर्व होगा कि आपको व्हीकल की डायरेक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तब आपको ऐसी सिंबल, ऐसी कॉशनरी सिंबल आ जाएगी. राइट लेफ्ट रिवर्स बैंड, ये रिवर्स बैंड है. दिस इज यूज वर द नेचर ऑफ द रिवर्स बैंड इज नॉट ऑब्वियस टू अप्रोचिंग ट्रैफिक एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ हैजर्ड. If the first curve is to the right, a right reverse bend shall be used. If the first curve is to the left, a left reverse bend is used. ये signs तब use होती हैं जब reverse bend obvious नहीं है कि आपको left reverse लेना है या right reverse लेना है, तब आपको ऐसी symbols use होती हैं. जब एक hazard traffic, जब approaching traffic, it's not obvious which reverse bend is to be taken. So it constitutes a hazard at that time. तो अगर आपको first curve right आएगी तो एक right reverse bend दिखाया जाएगा, और अगर first curve left आएगी तो एक left reverse bend दिखाया जाएगा. Narrow bridge, ये जो signs है ये narrow bridge के लिए है और ये gap in median के लिए है. This is for narrow bridge. अगर आपको आगे, आप किसी road पे जा रहे हैं और आगे एक narrow bridge आ रहा है, तो तब आपको एक ऐसी cautionary sound आएगी. This sign is erected on roads in advance of bridges where the clear width between the wheel guards is less than the normal width of the carriage way. अगर आपको आगे ब्रिज आ रहा है जहाँ पे विड्थ बहुत कम है, आपका कैरेज जो है, आपको जो व्हीकल जो चलाना है, बिल्कुल बहुत कम विड्थ है वहाँ पे, नैरो ब्रिज आ रहा है, तो आपको तब इस तरीके का कॉशन आ जाएगा, लाइक दिस. और ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, इट्स फॉर गैप इन मीडियन. दिस इज इंस्टॉल्ड, द गैप इज इंस्टॉल्ड अहेड ऑफ अ गैप इन द मीडियन ऑफ अ डिवाइडेड कैरिज वे अदर देन एन इंटरसेक्शन. ये भी एक कॉशनरी साइन है जो दिखाई जाती है रोड हैजर्ड्स टू अवॉइड रोड हैजर्ड्स. ये कुछ ऐसी गैप्स होती है मीडियन में जहां पे पेडेस्ट्रियंस या साइक्लिस्ट्स को यूज जो करनी होती है टू क्रॉस ओवर, तो तब ये एज अ कॉशनरी स्टेप दिखाया गया है, कॉशनरी सिग्नल दिखाया गया है कि आगे एक ऐसी गैप आ रही है जिसमें शायद क्रॉसिंग हो रही है, तो आप अपनी स्पीड वैसे ही स्लो डाउन करें. सो दीज आर ऑल कॉशनरी सिग्नल्स, कॉशनरी साइंस में से, जिनसे हमें ये पता चलता है ट्रायंगल के अंदर जो भी साइन है, इनसे हमें पता चलता है कि हमें अपनी स्पीड कैसे लेनी है, हमें अपने टर्न्स कैसे लेने हैं, बिकॉज हमें सिग्नल्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.